हेलो दोस्तों, मैं आज़म आज फिर आपका स्टार क्लिक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप SBI का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, SBI हर यूज़ पर आपको कुछ रिवॉर्ड्स पॉइंट देता है। आपका हर रिवॉर्ड्स पॉइंट 25 पैसे के बराबर होता है। आपके पास यूज़ करते करते 2000 रिवॉर्ड पॉइंट हो गए हैं, तो उस रिवॉर्ड्स पॉइंट की वैल्यू 500 रुपये होगी। ये 500 रुपये आपको कैसे मिलेंगे, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम अपना SBI कार्ड लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद मोर पर क्लिक करेंगे। मोर पर क्लिक करने के बाद रिवार्ड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर रिडीम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अमेज़न गिफ्ट कार्ड पर करेंगे, फिर ऐड टू कार्ट कर देंगे। उसके बाद रिडीम कार्ड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद चेक आउट पर करेंगे। जैसे ही हमारा प्रोसेस आगे को बढ़ेगा, हम यहाँ पर ईमेल और अपना फ़ोन नंबर चेक करेंगे। अगर सही नहीं है तो उसे अपडेट कर लेंगे अपडेट डिटेल से, और प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर देंगे। ओके करने के बाद ये हमारे मतलब ऐप से काम हो गया। इसके बाद हमारे पास एक 24 घंटे के बाद ईमेल पर एक कोड आएगा, उसको हम क्लिक करेंगे। ईमेल को वहाँ पर एक पिन नंबर लिखा हुआ होगा और बराबर में एक उसकी लिंक होगी। पिन नंबर देखने के बाद हम लिंक पर क्लिक करेंगे। लिंक पर क्लिक करते ही ये हमें ब्राउज़र पर ले जाएगा। जैसे ही ब्राउज़र पर ओपन होगी, वहाँ पर अपना पिन नंबर हम एंटर कर देंगे। यहाँ अपना पिन नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर ये कॉपी कर लेंगे वाउचर को हम, या फिर हम QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं। अमेज़न खोलेंगे, अपना मेनू पर क्लिक करेंगे, अकाउंट पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम इसे स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ। स्क्रॉल करने के बाद ऐड गिफ्ट कार्ड टू योर बैलेंस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो हमने कॉपी करा था वो यहाँ पेस्ट कर देंगे। ऐड गिफ्ट कार्ड टू बैलेंस पर क्लिक कर देंगे। ये हमारे पास 500 रुपये SBI कार्ड के रिडीम हो जाएंगे। ये लिखा हुआ गया सक्सेसफुल, ऊपर 500 रुपये भी लिखा हुए आ गए। हमारा बैलेंस 1002 रुपये हो गया, 502 रुपये था। दोस्तों, आप लोग इसी तरीके से पॉइंट रिडीम कर सकते हैं SBI कार्ड के।